कुकिंग फन में स्वागत दोस्तों। आज हम लोग बनाएंगे वेज मोमोज, वो भी बिल्कुल मार्केट जैसा। ये बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल। इसे हम कम चीज़ों में बनाएंगे और साथ साथ इसकी चटनी कैसे बनती है ये भी बताने वाला हूँ मैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। मोमो बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है मैदा 1 कप, उसके बाद इसमें 1 चम्मच नमक डाला है, उसके बाद नमक और मैदे को इसमें मिला लिया गया है। मिलाने के बाद दोस्तों इसमें जो है पानी डालकर इसे गूंथा जाएगा। गूंथना उतना है जितना रोटी का आटा गूंथा जाता है, तो इसे हम लोग गूंथ लेंगे। यहाँ पर इसे गूंथा जा रहा है। जब हमारा आटा गूंथ जाए नहीं मैदा, तो इसे जो है ढक्कन से ढक देंगे। आप इसे कपड़े से भी ढक सकते हैं। फिर दोस्तों इसकी स्टफिंग तैयार करने के लिए यहाँ पर पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन और गाजर यूज हुई है। उसके बाद दोस्तों इसे जो है पत्ता गोभी काट लिया जा रहा है। पत्ता गोभी को महीन महीन काटना है, तो यहाँ पर इसे महीन महीन किया जा रहा है। अगर आप बाजार ऐसा महीन करना चाहते हैं तो एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। आप एक गिलास ले लें जो आगे से मुड़ा ना हो, यानी आगे से पहना हो। उसके बाद इसे जो है आप थाली में रख कर इसे जो है पत्ता गोभी को महीन कर सकते हैं, जिससे बिल्कुल मार्केट जैसा ये महीन हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा महीन हो चुका है। अब इसे जो है फ्राई कर लेते हैं, तो स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है कढ़ाई, घर पर बना रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कढ़ाई ली गई है, उसके बाद इसमें जो है तेल डाला गया थोड़ा सा। जब तेल हमारा गर्म हो गया दोस्तों, तो फिर इसमें लहसुन कटा हुआ और हरी मिर्च कटी हुई डाला गया है। इसे कुछ सेकंड तक इसे हम लोग पकाएंगे। तो यहाँ पर इसे जो है पकाया जा रहा है। ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें कोई भी चीज़ें जो है पूरी तरीके से लाल नहीं करनी है, सिर्फ इसका कच्चापन निकल जाए उतना ही पकाना है। तो इसे जो है कुछ सेकंड तक पकाने के बाद इसमें कटी हुई प्याज डाली गई है। यहाँ पर प्याज डालने के बाद इसे जो है भुना गया कम से कम 30 सेकंड के बाद। इसके बाद दोस्तों इसमें जो है गाजर डाली गई कटी हुई महीन बारीक, और फिर इसमें शिमला मिर्च डाली गई है। उसके बाद इसमें जो है पत्ता गोभी बिल्कुल महीन इसमें डाली गई है। फिर इसे जो है हम लोग भूनेंगे। भूनना उतना है जितना कि इसका कच्चापन निकल जाए, पूरी तरीके से भूनना नहीं है। तो दोस्तों इसे यहाँ पर चलाया जा रहा है। जो भट्टी की आँच है यानी चूल्हे की आँच जो है ये नॉर्मल है, और इसे हल्की आँच में से भूना जा रहा है। अब इसमें दोस्तों बिल्कुल मार्केट जैसा स्वाद लाने के लिए इसमें हम लोग डालेंगे मैगी मसाला। तो यहाँ पर 2 मैगी मसाला लिया गया, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा मैगी मसाला। यहाँ पर हम ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ पर टेस्टी सिंपल वेज मोमोज बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर मैगी मसाला यूज किया गया है। आप यहाँ सोया सॉस ब्रेकर भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं यूज हुआ, यहाँ सिर्फ मैगी मसाला। इससे जो है टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो मैगी मसाला डालने से इसमें जो है 2 पैकेट डाला गया है। फिर दोस्तों इसे जो है चलाया जा रहा है। अब इसमें जो है तीखा करने के लिए हल्का लाल मिर्च का पाउडर डाला गया 1 चम्मच। फिर दोस्तों इसे जो है हम लोग चलाएँगे। अभी इसमें नमक नहीं डाला गया है, नमक जो है डाला जाएगा जब ये हमारा बाहर निकाल के जब ठंडा हो जाएगा तब इसमें नमक डालेंगे। अभी हमारा देखिए इसका कच्चापन निकल चुका है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और यहाँ पर ये जो है एक प्लेट में निकाल लिया जा रहा है। फिर दोस्तों जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसमें हम लोग नमक डालेंगे। ठंडा होने के बाद इसमें स्वादानुसार नमक डाला गया है। दोस्तों मैगी मसाला में भी हल्का नमक होता है, तो नमक जो है यहाँ पर उसी के अनुसार डाला गया है। फिर इसे मिक्स कर लिया जा रहा है। मिक्स करने के बाद दोस्तों जो हमारा मैदा था, वो हमारा मैदा जो है लगभग 15-20 मिनट हो गए हैं, तो ये हमारा मैदा जो है ढल गया है। अब इसकी जो है हम लोग छोटी छोटी पेड़ी काट लेंगे। छोटी छोटी पेड़ी काटना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं इसी तरीके छोटी छोटी पेड़ी काट कर इसे जो है आप इकट्ठा भी इसे छोटी छोटी पेड़ी का काट कर इसे कपड़े से ढक सकते हैं। यहाँ पर इसे काट लिया गया, उसके बाद एक इसे बेला जा रहा है। दोस्तों इसे बेलना है उतना जितना ज़्यादातर पतला हो जाए, क्योंकि जितना पतला रहेगा उतना ही अच्छा मोमो बनेगा हम लोग का। तो इसे यहाँ पर बेल लिया जा रहा है। बेलने के बाद मैं यहाँ पर 4 प्रकार की बनाऊँगा स्टफिंग। तो यहाँ पर 4 डिज़ाइन की बनाएं, सबसे अगर आप पहली बार बना रहे तो इसे आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर इसे बेलने के बाद इसमें रखा गया बीच में स्टफिंग, फिर इसके बाद चारों तरफ पानी लगाया जा रहा है। पानी के बाद इसे गुजिया का आकार दे देना है सिंपल तरीके से, फिर इसे जो है मोड़ देना है। कितना आसान है बनाना देख रहे हैं, सबसे सिंपल इसी तरीके आप बना सकते हैं, नहीं तो आप दूसरी डिज़ाइन भी यूज कर सकते हैं। इसे बीच में रखना है, रखने के बाद इसे जो है चारों तरफ पहले पानी लगा देंगे इसमें, जिससे हमारा जो मैदा वाला चिपक जाए। अच्छी तरीके से पानी लगाना है और फिर दोस्तों इसे सिंपल तरीके से मोड़ लेना है।
एक तरफ का मोड़ना है, उसके बाद दूसरी तरफ वाला चिपका देना है। ये भी सिंपल तरीके से बन जाता है, आप इस तरह की बना सकते हैं पूरी तरीके से। फिर दोस्तों तीसरा जो है ये भी सिंपल तरीके वाला है, जिसे आप जो है मोदक बनता है उस तरीके बना सकते हैं गोल वाला। तो यहाँ पर इसे जो है मोड़ना है सिंपल तरीके से, चारों तरफ से मोड़ कर इसे बीच से दबा देना है बिल्कुल मोदक जैसे, और बीच में जो है उसको थोड़ा काट लेना है मैदा, और फिर उसे जो है इसे चिपका देना। ये भी बहुत ही सिंपल है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। चौथा जो है ये और सिंपल है, इसे आप एक तरफ से मोड़ें, उसके बाद तरफ से दूसरी परत लेके इसे आप मोड़ सकते हैं और इसको ये आकार दे सकते हैं। ये चारों जो हैं डिज़ाइन बहुत ही सिंपल हैं, इसे आप आसानी से बना सकते हैं घर पर और बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों ये हमारा इसी तरीके पूरा तैयार कर लेंगे। फिर जो है मोमो स्टीमर में यहाँ पर हल्का सा रिफाइंड लगाया जा रहा है, और यहाँ पर इसके लगाने के बाद इसमें मोमो रखा जाएगा। ये मोमो स्टीमर है, ये छोटा वाला मोमो स्टीमर है घरेलू वाला। दोस्तों अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अगर आप कढ़ाई में बनाना चाहते हो नीचे कमेंट करें, मैं उसकी भी वीडियो डाल दूंगा। बिना मोमो स्टीमर के बना सकते हैं आप कढ़ाई में। यहाँ मोमो स्टीमर सबसे नीचे वाले में पानी डाला गया है, और उसके बाद तीन परत है इसमें मोमो स्टीमर में, तो तीनों को जो है इसमें रखने के बाद ये लगभग 5 से 6 लोगों के लिए मोमो बनाया गया है। और तीनों स्टीमर को जो है इसमें रखने के बाद ऊपर से ढक्कन लगा देंगे और इसे जो है चूल्हे पर रख दिया जाएगा। ये लगभग 10 मिनट के बाद ये भाप से ही मोमो हमारा पक जाएगा, और पकने के बाद कुछ इस तरह दिखाई देगा। हमारा मोमो अब पक चुका है। अब दोस्तों इसकी जो है इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और इसे चटनी के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। मोमो की चटनी मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और दोस्तों आप वीडियो के एंड में भी दे सकते हैं। आप इसे क्लिक करके मोमो की चटनी दे सकते हैं बाज़ार वाली घर पर कैसे बनाएं।